नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लव एक्साइल रिडेम्पशन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इस द सागा ऑफ कश्मीर्स लास्ट पंडित प्राइम मिनिस्टर एंड हिज इंग्लिश वाइफ। इस पुस्तक को सिद्धार्थ काक एंड लीला काक भान ने मिलकर लिखा है। रामचंद्र काक की यह कथा है, और केवल उन्हीं की नहीं बल्कि उनकी जो अंग्रेज पत्नी थी उनकी कथा है। इन दोनों की कथा है। रामचंद्र काक वे कश्मीरी पंडित थे जो प्रधानमंत्री भी रहे कश्मीर के। महाराजा हरि सिंह ने न केवल उनको बाद में निर्वासित किया बल्कि बहुत समय तक, जब यह देश आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तो उनको जेल के भीतर बंद कर दिया, कैद कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री था, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत आधुनिक था अपने समय के हिसाब से, एक ऐसा व्यक्ति जो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा विद्वान था, जिसने प्रधानमंत्री तक की जो यात्रा है वह अपनी योग्यता से हासिल की थी, न कि कोई पारंपरिक स्तर पर उनको यह चीज़। संस्कृत के विद्वान थे, कश्मीरी के विद्वान थे, अंग्रेजी को जानने वाले थे। पढ़ाई लिखाई कर उन्होंने अपना एक करियर शुरू किया एक सेवा से ग्रंथालय में। वहाँ उन्होंने लगातार किताबें पढ़ी, पुरातत्व का काम किया, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए वह उस स्थिति में पहुँचे कि न केवल प्रधानमंत्री बने बल्कि बाद में निर्वासित जीवन भी उनको जीना पड़ा। रामचंद्र काक के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में यह पहली बार कोई ऐसी पुस्तक है जो लिखी गई। इस पुस्तक के बहाने आप कश्मीर के इतिहास, वहाँ की राजनीति, कश्मीरी पंडितों का, जो समृद्ध कश्मीरी पंडित हैं, उनकी क्या परंपरा रही है, उनकी क्या संस्कृति रही है, उनकी क्या सभ्यता रही है, उनके यहाँ क्या खान पान रहा है, किस तरह का उनका पारिवारिक जीवन रहा है, उनके बहाने पूरे कश्मीर की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो उसका ताना बाना है, उसको भी आप समझ सकते हैं। खास बात यह है, यह पुस्तक इसलिए भी ज़्यादा उपयोगी है कि इस पुस्तक को लिखने वाले दो लोग सीधे सीधे रामचंद्र काक से जुड़े हुए थे। लीला काक भान उनकी बेटी हैं और सिद्धार्थ काक उनके पौत्र। अब सिद्धार्थ काक ने इस पुस्तक की शुरुआत कैसे की है, वो इसकी भूमिका में लिखते हैं कि 70 साल पहले मैं कसौली गया था, और जब कसौली गया तो उसकी जो याद है वह मेरे दिमाग में अब भी जीवंत है, उसी रूप में जब मैं आज 75 साल का हो गया हूँ। मैं 5 साल का था जब वहाँ गया था, और कसौली जाके रामचंद्र काक, जिनको ये लोग भाई जी कहते थे, उनको इन्होंने पहली बार देखा। लेकिन किसी भी बच्चे के दिमाग में क्या हो सकता है, यह तो हो नहीं सकता कि वह 5 साल की उम्र में जो देखता है वह ध्यान रखे। तो भाई जी और बेंडेट से ही वहीं मिले थे। बेंडेट का जो सौंदर्य है, जो उनकी आभा है, वह इनको आकर्षित करती थी। वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण था वह इनके मन में लगातार रहा। फिर ये जब कॉलेज में गए, लगातार चिट्ठी पत्री होती रही, तब इनको धीरे धीरे बाद के दिनों में जब यह बड़े हुए, तब इनको पता चला कि हमारी जो परंपरा है वह कितनी समृद्ध रही। खास बात यह कि ये बताते हैं कि हमारे यहाँ हमारे परिवार की एक बड़ी मज़ेदार परंपरा है कि जो एक बार जिस नाम से, यानी जो फूफा जी है वो हमेशा जीवन भर सभी के लिए फूफा जी है, जो जीजा जी है वो हमेशा सभी के लिए जीजा जी है, जो भाई जी है वो हमेशा सभी के लिए भाई जी है। यानी परिवार की जितनी भी पीढ़ियां हैं, चाहे चौथी पीढ़ी भी परिवार में आ जाए, वह किसी बड़े को अगर एक बार उसका नाम भाई जी पड़ गया तो वो भाई जी ही है। और जो डायरी अंश है जो लीला काक भान ने अपनी जो माँ है, जो अंग्रेज माता थी, जो बेंडेट के नाम से
मशहूर थी, उन्होंने किस तरह से अपनी डायरी में कश्मीरी पंडितों की समृद्ध परंपरा को न केवल दर्ज किया बल्कि काक परिवार की जो लिगेसी है वह भी अगली पीढ़ी जान सके उसके बारे में लगातार अपनी डायरी में दर्ज करती रही। रामचंद्र काक जो चिट्ठियां लिखते रहे, उन चिट्ठियों के बहाने ये लोग उस समूचे परिदृश्य पर नज़र डालते हैं जो 18वीं शताब्दी के किसी दशक से शुरू होता है और आज तक पहुंचता है। अगर कोविड काल नहीं होता तो शायद यह महत्वपूर्ण पुस्तक सामने नहीं आ पाती, लव एग्जाइल एंड रिडेम्पशन। ये पुस्तक भी उन्होंने भाई जी और बेंडिट को ही समर्पित की है जिनकी अविस्मरणीय यादों से सिद्धार्थ काक जो भी आज हैं, कब बताने की आवश्यकता नहीं कि सिद्धार्थ काक जाने माने टेलीविज़न पर्सनालिटी हैं, कमेंटेटर हैं, लेखक हैं। उनकी अपनी एक व्याप्ति रही है, समूचे कई दशकों को उन्होंने अपनी प्रस्तुति से न केवल प्रभावित किया है बल्कि कई पीढ़ियों को वह दिशा दी है। जो लोग टेलीविज़न पर आज बोलते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, वे उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह से लीला काक बहान ने भी लगभग आधे शताब्दी कह सकते हैं से अधिक समय तक न केवल विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया बल्कि बाहर रही और लगातार बाहर रहते हुए भी भारतीय धरती से कश्मीरी पंडितों से जुड़ी रही। इस कृति में बहुत सारी ऐसी अविस्मरणीय तस्वीरें हैं जिनकी जिनको देखना अपने आप में इतिहास से गुजरना है। एक पत्र से शुरुआत होती है जिस पत्र ने सिद्धार्थ काक को प्रेरणा दी थी, जिस ज़माने में वो किसी प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते थे और नहीं हो पाए, तो किस तरह से उस पत्र ने इनके जीवन को प्रभावित किया। इसी तरह से लीला काक भान ने जो है यह बताया है कि उनकी माँ ने उनको किस तरह से पत्र लिखा और वहाँ के बाद वे लोग इतिहास में जाते हैं जिसमें बेंडेड जो है जिस इतिहास को दर्ज करती हैं, किस तरह से भाई जी बढ़े, किस तरह से उन्होंने अपने को लौह पुरुष के रूप में स्थापित किया, उनके जीवन में किस तरह प्यार आया, यह उनकी दूसरी पत्नी थी। उसके बाद एक विदेशी लड़की किस तरह से भारतीय से शादी करने के बाद अपने उसके अपने जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होता है, यह बात भी आती है। किस तरह से राजनीतिक बिसात उस दौरान बिछनी शुरू हुई जब वे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बने, किस तरह से एक मूडी महाराजा से उन्होंने अपने को उसके सामने अपने को स्थापित किया या उसके मूड स्विंग से वह बचते और निकलते रहे, किस तरह से पंडित वर्सेज पंडित हुआ, किस तरह से वो कश्मीर से निकल पाने में सफल रहे निर्वासित होकर, किस तरह से बॉम्बे में उन्होंने निर्वासित जीवन जिया, फिर बॉम्बे से कसौली आए और कसौली किस तरह से उनके जीवन में रहा, उसके बाद फिर वो डारा की जो मेमोरी है वापस लौटते हैं और किस तरह उनका समूचा जीवन कश्मीर, कश्मीरी पंडित, वहाँ की परंपरा, वहाँ की सभ्यता और वहाँ की संस्कृति की वानगी हो जाता है, इस पुस्तक के माध्यम से आप जान सकते हैं। 318 पृष्ठों की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को रूपा पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है और इसके हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 695 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल मैं आपके किसी प्रिय रचनाकार से उसके जीवन कर्म पर या उसकी कृति पर बात करूँगा। सोमवार से शनिवार तक मैं पुस्तक की चर्चा करता हूँ। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।